ने कुंभ मेले में जमीन आवंटन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। बैरागी अखाड़ों को जल्द मिलेगी जमीन, बैरागी संतों के लगेंगे टेंट। सीएम बनने के बाद पहली बार सचिवालय के कार्यालय पहुंचे तीरथ सिंह रावत। कार्यालय में किया विधिवत, किया पूजा पाठ, राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आज मिल सकते हैं मंत्रियों को विभाग। सीएम ने गोपन सचिव से ली हर विभाग की जानकारी। मंत्रियों को देखा जाएगा पहले का प्रदर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। श्रीनगर से खबर आ रही जहां कांग्रेस ने निकाली है जनाक्रोश रैली। यहां खबर श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली निकाली है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकाली गई है ये रैली। रैली में प्रीतम सिंह, हरीश रावत भी हुए शामिल। खबर श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंदिरा हृदयेश समेत कई बड़े नेता हुआ इस रैली में शामिल हुए हैं। श्रीनगर से कांग्रेस ने निकाली है जनाक्रोश रैली। बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी के खिलाफ ये रैली निकाली गई है। खबर आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। रैली में प्रीतम सिंह, हरीश रावत भी हुए शामिल। इंदिरा हृदयेश समेत कई बड़े नेता भी हुए शामिल। कांग्रेस की बढ़ती महंगाई के खिलाफ निकाली जनाक्रोश रैली। खबर श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये रैली निकाली गई है, जिसमें रैली में प्रीतम सिंह, हरीश रावत भी शामिल हुए हैं। वहीं इंदिरा हृदय समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं इस रैली में। फिलहाल इसी खबर पर हमारे संवाददाता कमल किशोर हमारे साथ में श्रीनगर से जुड़ गए। कमल किशोर, क्या लगता है कि इस रैली में कितने लोग आज शामिल हुए हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना जताया है बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिए, बता दूं आपको कि कांग्रेस सरकार ने जो है भाजपा सरकार के, कांग्रेस पार्टी ने जो है भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने से पहले जन आक्रोश रैली निकाल यह जता दिया है कि यह साफ कर दिया है कि जनता जो है महंगाई और रोजगार के त्रस्त है। मुद्दे को लेकर उन्होंने यहां पर श्रीनगर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय, केदारनाथ विधायक मनोज रावत आदि भी यहाँ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जो जन आक्रोश रैली निकाली गई, इसमें 4 से 4,500 जो लोग थे वो मौजूद रहे। उन्होंने नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गो से होते हुए रैली निकाली, जिसके बाद स्थानीय गोला पार्क में जनसभा का आयोजन भी किया गया। यहाँ पर जमकर कांग्रेसी नेता जो है भाजपा सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा और रोजगार के मुद्दे को लेकर भी घेरा। वहीं दूसरी ओर जो बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह है, उन्होंने जो है कि खुली चुनौती सीएम तीरथ सिंह रावत को दे दी है कि वो बद्रीनाथ से चुनाव लड़े, अगर उनमें हिम्मत है तो वो बद्रीनाथ से चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाएं, तो खुले मंच से उन्होंने चुनौती भी दी है। कमल किशोर, जिस तरीके से आपने बताया कि चुनौती भेजी है कि यहाँ से आप चुनाव लड़कर दिखाएं, क्या इस पर कुछ जवाब आया है पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से? कमल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने आरोप, एक खुली चुनौती दी है कि आप यहाँ से चुनाव लड़के दिखाएं, क्या लगता है उसकी तरफ से कुछ जवाब आया है? जी, बता दूं आपको कि बीच जो बद्रीनाथ के विधायक हैं भाजपा से महेंद्र भट्ट, उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत को आमंत्रण दिया था कि वो उनके लिए अपनी सीट, बद्रीनाथ सीट जो है वो खाली कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं, वो वहां से चुनाव लड़े। तो जिसके बाद अब कांग्रेस के जो बद्रीनाथ से पूर्व विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में, राजेंद्र भंडारी, उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती यहाँ श्रीनगर में जो जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, उसके बाद जो जनसभा का आयोजन किया गया था, तो उस जनसभा से उन्होंने खुली चुनौती सरकार को और तीरथ सिंह रावत को दे दी है कि वो उनमें हिम्मत है तो वो यहाँ से चुनाव लड़के दिखाए। आप यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या जिसके उस पर जो है क्या भाजपा सरकार या फिर तीरथ सिंह रावत का क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है, और क्या वो वाकई बद्रीनाथ सीट से चुनाव लड़ते हैं या किसी और सीट से चुनाव लड़ने की वो मंशा बनाते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद कमल किशोर। तो खबर आपको बता रहे थे जहाँ पर श्रीनगर में कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली निकाली। आगे बढ़ेंगे, डोईवाला साहब को बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर टोल टैक्स की वसूली का विरोध किया गया। यहां खबर डोईवाला साहब को दिखा रहे हैं, टोल टैक्स की वसूली का विरोध हुआ है। लच्छीवाला में यूकेडी ने किया है विरोध। खबर डोईवाला साहब को
दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की गाड़ियों से नहीं लेने देंगे टोल। उनका कहना है कि उत्तराखंड की गाड़ियों से हम टोल नहीं लेने देंगे। सरकार से टोल फ्री करने की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। टोल लेने पर उग्र आंदोलन को मजबूर होगी यूकेडी, ये यूकेडी का कहना है। खबर डोईवाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की गाड़ियों से टोल नहीं लेने देंगे। इसके चलते यूकेडी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने कहा है कि अगर धरना प्रदर्शन से इससे हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाता है तो आगे उग्र प्रदर्शन भी हम करेंगे। लाल, इसी खबर पर हमारे साथ में राजकुमार डोईवाला से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या है अपडेट, किस तरीके की मांगे हैं इनकी टोल टैक्स को लेकर? देखिए, लगातार जब से टोल टैक्स शुरू हुआ है मछुआरा में, तब से जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी डिमांड है कि लोगों को पूरी तरह से टोल टैक्स फ्री किया जाए। लेकिन टोल टैक्स की तरफ से कुछ कंडीशन लगा दी गई थी, तो लोग थे जो टोल पांच 10 रुपए के उनको टोल फ्री किया गया, तो इस बात को लेकर। ठीक है राजकुमार, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर डोईवाला से आपको बताते हैं, जहां पर टोल टैक्स ना देने के लिए यूकेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि आगे के लिए उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर मेरी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम लोग एक उग्र प्रदर्शन करेंगे। पहले हमने आंदोलन किया था कि ये लोकल के लिए जो है टोल फ्री किया जाए। सरकार ने लोकल के लिए टोल को फ्री कर दिया, लेकिन कहीं भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जनता में कोई अवेयरनेस नहीं है और टोल प्लाजा वाले जनता को जैसे तैसे अभी भी लूट रहे हैं। नंबर दूसरा, हमारी ये मांग है कि ये 36 किलोमीटर की जो रोड है टोल की, मात्र 6। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राजा जी राष्ट्रीय पार्क में लगी है भीषण आग। खबर हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां राजा जी पार्क में भीषण आग लग गई है। टिबरी कॉलोनी के पास लगी है भीषण आग। खबर हरिद्वार से दिखा रहे हैं, दमकल कर्मी आग बुझाने में फिलहाल जुटे हुए हैं। भेल हॉस्पिटल के पीछे लगी है आग। आपको बता दें कि जहां पर ये भीषण आग लगी है वहां पर दमकल कर्मियों की गाड़ी, अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग यहां पर लगी हुई है। फिलहाल यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। हेल हॉस्पिटल का पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं, राजा जी राष्ट्रीय पार्क में लगी भीषण आग। टीवीडी कॉलोनी के पास में ये आग लगी है। फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद, आग को बुझाने का लगातार हो रहा है प्रयास। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना विकराल रूप ले लिया है यहां पर आग ने। गनीमत यह रही कि मौके पर दमकल की, अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। हरिद्वार राजा जी राष्ट्रीय पार्क में लगी भीषण आग, तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं कि कितना विकराल रूप ले लिया है यहां पर आग ने। लाल दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क में लगी है भीषण आग। टीबीटी कॉलोनी के पास में से ये घटना बताई जा रही है, जहां से ये आग ने विकराल रूप ले लिया है। दमकल की गाड़ी फिलहाल मौजूद है वहां पर, कर्मी भी मौजूद हैं, दमकल कर्मी वहां पर पहुंच गए हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लगभग लगभग बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर लगातार आग लगी हुई है। बुझाने का प्रयास अग्निशमन की गाड़ी की तरफ से लगातार चल रहा है। टीवीडी कॉलोनी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर यह आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल आग लगने की अभी सूचना नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से यह आग लगी है, किस कारणवश यह आग ने इतना भयावह रूप ले लिया है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितना भयावह रूप यहां पर ले चुकी है। फिलहाल काफी हद तक यहां पर दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया।
राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री के भागीरथी पुरम स्थित आवास पर फूलदेई पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व फूलदेई को धूमधाम से मनाया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बसंत ऋतु का ये पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ा फूलदेई का पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। और ये उत्तराखंड की एक पहचान है फूलदेई। आज और बसंत ऋतु प्रारंभ होने जा रही है और खेतर खलियान पीले नीले हरे ऐसा एक नई बहार आ रही है, तो उस रूप में ये पर्व मनाया और बच्चियों के द्वारा जो कन्याएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जिनके कारण समाज बनता है और उनको मैं नतमस्तक करता हूं, उनको दंडवत करता हूं उन कन्याओं की पूजा करते हुए, और इस प्रकार की संस्कृति हमारी बनी रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण मंडल की विवादित फैसले पर पुनर्विचार करने का साकेत मुख्यमंत्री द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड के फैसले से चार धाम के तीर्थ पुरोहित और हक हुकुमदारा और गैरसैंण को मंडल घोषित करने से भाजपा के कई विधायक खफा हैं, जिसको लेकर सूबे के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत की गद्दी पर बैठने के बाद इन फैसलों को पलटने का अनुमान लगाया जा रहा था और अब तीरथ सिंह रावत ने इसका संकेत भी दे दिया है। भगवानपुर विधानसभा के सिरचंदी गांव में मरगूब उर्फ भूरा के आवास पर आज उस समय लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा जब भूरा ने बसपा ज्वाइन की। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने संबोधित करते हुए कांग्रेस भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज और मुस्लिम समाज को दो बेलों की जोड़ी समझकर उनका शोषण करती रही है, जिनसे सिर्फ चुनाव आने पर काम लिया और फिर उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया। वहीं दलित समाज के लोगों को बाबा भीम का अम्बेडकर की शपथ दिलाई गई, जिसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को मजबूत करने की बात जमीनी स्तर पर कार्य करने को कहा गया। आज हमारे बहुत सारे साथी और बहुत सारे महिलाएं, हमारी बहनें बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। ये तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह सैलाब निकलकर बहुजन समाज पार्टी ये परचम को लहराने का काम कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में आने का काम कर रहा है, तो आप खुद देख रहे हैं आने वाला 22 किसका है, आने वाला 22 बहुजन समाज पार्टी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा कोर ग्रुप के सदस्य अभिमन्यु कुहाड़ ने डोईवाला के राजीव नगर के दशहरा मेला मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून का विरोध लंबे समय से कर रही है। उत्तराखंड के किसान भी भारत सरकार से कृषि कानून को वापस लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है और महापंचायत में बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। सभी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाहर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने खाली प्लॉट है, वहाँ पे पार्किंग रहेगी और वहीं से लोग पैदल आएंगे यहाँ के लिए। क्या अपील की जा रही है लोगों से, इनसे, किसानों से, शांतिपूर्वक अपनी पंचायत करें? शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, उसके बाद अपना शांतिपूर्वक से जाएं। पंचायत होने जा रही है 3 कृषि कानूनों के वापसी करने के उपलक्ष्य में। इसमें लगभग जो हमारा आंकड़ा है वो कम से कम 10,000 से ज़्यादा संख्या जो है इसमें पहुंचेगी। पांवटा साहिब है, हरिद्वार है, सहारनपुर है और जगह जगह से लालडांग है, कटावड़ है, हमारे जितने भी वारंटर हैं लगे हुए, जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सभी जो है सभी गांव में जा कर के सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं इनके विरोध में आप इस किसान महापंचायत में आकर के अपना योगदान दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।